मक्का में भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लहराना पड़ा महंगा। एमपी के कांग्रेस नेता को उठा ले गई सऊदी पुलिस, जेल में बंद कर दी यातनाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस नेता को मक्का की मस्जिद अल हरम में काबा के सामने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लहराना महंगा पड़ गया। इस पर सऊदी अरब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 8 महीने जेल में रखा। उनका कहना है कि जेल में उन्हें यातनाएं दी गईं। लंबी पूछताछ के बाद सऊदी पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद वे विगत 3 अक्टूबर को घर लौट सके। निवाड़ी जिले के निवासी रजा कादरी यहां युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक वे इसी साल जनवरी में मक्का गए थे, बेहोश करके गिरफ्तार किया। रजा कादरी ने बताया कि अगले दिन वे जब सऊदी के होटल में ठहरे हुए थे तब वहां की पुलिस उनके रूम में पहुंच गई और उन्हें बताया कि वे वीजा कंपनी से आए हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस ने उनको बेहोश करके गिरफ्तार कर लिया। होश में आने पर उन्हें बताया गया कि वह सियासी एजेंट है और उन्होंने कांग्रेस का पोस्टर लहराकर सऊदी अरब का कानून तोड़ा है। इसके बाद में उनको ढाबान की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। जेल में की गई लंबी पूछताछ। रजा कादरी के अनुसार जेल में उनको यातनाएं दी गईं। खाने में सिर्फ 2 ब्रेड के टुकड़े ही सुबह शाम को दिए जाते थे। पहले 2 माह तक एक अंधेरे कमरे में कैद रखा गया और सऊदी पुलिस कड़ाई से पूछताछ किया करती थी। रात भर जगाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट से सवाल जवाब करती थी। ढावान जेल में 6 माह कैद रखने के बाद स्वदेशी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। कादरी ने बताया कि कुछ दिनों बाद उनसे एक एजेंट मिलने आया जिसे उनके परिजनों ने भेजा था। एजेंट की कोशिशों से वे बीती 3 अक्टूबर को जेल से रिहा होकर सऊदी से भारत लौट सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।